महामारी से निपटने के लिए करनाल की प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार भी करनाल प्रशासन के साथ मिलकर बहुत लगन से कार्य कर रहे हैं। पत्रकारों द्वारा 14 से 18 घंटे कार्य किया जा रहा है। इस लड़ाई में लगभग सभी पत्रकार पल पल की जानकारी, लोगों की समस्याएं, कोरोना से बचाव के उपाय बताने के लिए प्रशासन और जनता के बीच पुल का कार्य कर रहे हैं। जिला करनाल की जनता की रक्षा के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। यहां आपको बता दें कि इन सब पत्रकारों के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए इनका मनोबल बढ़ाने हेतु यस वी कैन संस्था के सदस्य मनमोहन जालवी, राजेश ग्रोवर और सावी चौधरी चेयरमैन संजय बत्रा के नेतृत्व में पत्रकारों से रूबरू हुए। वह मानव सेवा संघ में फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए पत्रकारों के साथ रूबरू हुए। वहां इन सब सदस्यों ने स्वामी प्रेम मूर्ति के सानिध्य में सभी मौजूद पत्रकारों पर पुष्प वर्षा कर और तालियां बजाकर इन सब मीडिया कर्मियों द्वारा किए जा रहे कार्यों को सराहा और आभार प्रकट किया। यस वीकेंड संस्था के सदस्य द्वारा सबको सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए गए और सबको ड्यूटी करते समय अपना भी ध्यान रखने का अनुरोध किया गया। देखिए रिपोर्ट। पत्रकारों को सम्मानित करने आए हैं, इन्हीं के लिए हम सैनिटाइजर और मास्क दिए इनको, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने मंच के माध्यम से? लोगों को यही कहेंगे कि डिस्टेंस बना के रखें और जो ताकि सब ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में ही रहें, बाहर ना निकले, इसी में हमारी सुरक्षा है, ये बहुत ज़रूरी भी है हमारे लिए। थैंक यू। उनके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया, क्योंकि पत्रकार भाई भी अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए जो खबरें हैं, जितना भी पॉजिटिव खबरें दे रहे हैं जिससे कि लोगों को पता चल रहा है, क्योंकि कोई और साधन, इतने साधन नहीं है कि लोगों को पता चले क्या कानून है, क्योंकि रोज़ नए कानून बन रहे थे, तो जो भी जानकारी है वो आप लोग हम तक पहुंचा रहे थे, तो हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए, क्योंकि आप लोग भी जैसे डॉक्टर्स, प्रशासन, पुलिस और अन्य सरकारी कर्मचारी अपना योगदान जान को जोखिम में डाल के दे रहे हैं, आप लोग भी अपना जो योगदान है जान को जोखिम में डालकर कम साधनों में हम सब तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि जितनी भी अवेयरनेस है वो सरकार अपने साधनों से उतनी नहीं दे पा रही। आपने सरकार और लोगों के बीच एक कड़ी का काम किया, जिससे पल पल की खबर क्या चल रहा है, कौन सा काम कब होना है, कैसे होना है, क्या क्या सावधानियां करनी है, वो सब आप लोगों के माध्यम से हमें पता चलता रहा, जिससे हम करनाल में और हरियाणा में, हिंदुस्तान में इस महामारी पे काबू पाने में सफल हो रहे हैं और हो जाएंगे, उसमें आप लोगों का योगदान को देखते हुए हमारी संस्था ने आप सबको ऑनर करने का निश्चय लिया और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए हमने इस काम को किया, जिसके लिए आप सब लोग आए और आप सबका स्वागत है और आप सब लोग साधुवाद के पात्र हैं। ऐसे ही आप काम करते रहें, जहां भी हमारी आपको कहीं भी ज़रूरत होगी हम आपके साथ 24 घंटे खड़े हैं, जहां भी आप हमें आवाज़ दोगे हम आपके पास आएंगे, कोई भी समस्या होगी किसी भी तरह की हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.